आज का टॉपिक है एडमिसिबिलिटी। पहला मैंने बताया था आपको फैक्ट, रिलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू। तो एडमिसिबिलिटी मींस जो भी फैक्ट्स सर्कमस्टांशियल बेसिस पे, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के बेसिस पे, डायरेक्ट एविडेंस के बेसिस पे और किसी भी तरह से अगर वो एडमिट हो जाते हैं तो उस एडमिट होने को उस फैक्ट का एडमिसिबिलिटी बोलते हैं। जो एडमिसिबिलिटी है वो सर्कमस्टांशियल बेसिस पे डायरेक्ट एविडेंसेस से, मान लीजिए कोई रिलेवेंट फैक्ट हमें मिल जाता है, ठीक है, तो उसका मोटिव, कोई रिलेवेंट फैक्ट टू कॉज और रिलेवेंट फैक्ट थ्री है कंडक्ट, हमें इन तीनों में से तीनों या कोई भी दो या कोई भी एक, अगर कुछ भी ऐसा क्लू मिल जाता है फैक्ट को एडमिसेबल करने के लिए और उसको प्रूफ करना होता है हमें ओरली या डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। अब होता क्या है, कई रिलेवेंट फैक्ट्स एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है, कोई भी फैक्ट या रिलेवेंट फैक्ट एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो जब निर्भरता साबित हो जाती है, जो ए है उसने बी को डाइंग डिक्लेरेशन किया, तो डाइंग डिक्लेरेशन तो किया है ना, ये एक फैक्ट है कि डाइंग डिक्लेरेशन किया, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन करने से पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि जो ए है वो मर चुका है, है ना, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया आपको। तो जब भी ऐसा कोई रिलेवेंट फैक्ट या फैक्ट एक दूसरे पर निर्भर होता है, प्रूफ हो जाता है, तो उस प्रूफ होने को बोलते हैं एडमिसिबिलिटी, उस फैक्ट की एडमिसिबिलिटी हो गई है कोर्ट के अंदर, या जो कोर्ट है वो एडमिसिबल कर लेगा इस फैक्ट को कि ठीक है ये फैक्ट आपका प्रूफ हो गया, नेक्स्ट। तो और अच्छे समझने के लिए मैं आपको बता दूँ कि जो सेक्शन है, सेक्शन 5 प्लस 165 और 136 प्लस 104, इतना पढ़ेंगे आज। तो आप देख रहे हैं ऑलमाइटी जुडिशियल अकेडमी का वीडियो लेक्चर और शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सेक्शन 5 निकाल लीजिए पहले अपने बेयर एक्ट से, है वो एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स, ठीक है, चैप्टर 2 है ये ऑफ द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। तो एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस of every fact in issue and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant and of no others. किसी भी suit या proceeding में उस हर प्रकार के fact in issue जो कि relevant declare कर दिए गए हैं, उन facts के existence और non-existence का evidence दिया जा सकता है और किसी अन्य का नहीं, ठीक है ना। A ने B का murder किया तो B को किस तरह मारा गया, क्यों मारा गया, किस समय मारा गया, ये सब तो रिलेवेंट फैक्ट्स और फैक्ट्स फैक्ट इन इशू में आ सकता है। एंड ऑफ नो अदर्स, सिर्फ वही रिलेटेड चीज़ें बताई जाएंगी जो कि उस मर्डर के होने का फैक्ट बताती हो, और कुछ नहीं। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद अ क्लब विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। ए ने बी का मर्डर किया और उसको मारा क्लब से, लाठी से, इस इंटेंशन से कि वो मर जाए। तो इसमें कितनी सारी चीज़ें हो गई, देखो, ए इज बीटिंग बी विद द क्लब, ऑब्जेक्ट पता लगा, क्लब से मारा गया। ए इज कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग, मारा गया तो एक्ट भी हुआ, ठीक है। ए इज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ, ए की इंटेंशन थी, मतलब मेंसुरिया था कि उसकी डेथ हो जाए, मेरे एक्ट करने से, मेरे मारने से किसी की डेथ हो जाए, बी की डेथ हो जाए, ये उसका इंटेंशन था, मतलब मेंसुरिया। तो एक्ट और मेंसुरिया मैंने आपको इस वीडियो से पहले, काफ़ी पहले बता दिया था, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आई बटन में भी वो आ रहा होगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं थोड़ा समझने के लिए। तो सेक्शन 5 के साथ हमने पढ़ना था 165। द जज मे इन ऑर्डर टू डिस्कवर और टू ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ रिलेवेंट फैक्ट, जो जज है वो किसी भी समय, किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में रिलेवेंट फैक्ट्स का पता चला लगाने के लिए किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकता है। इस क्वेश्चन के लिए किसी भी, कोई भी पार्टी या पार्टी का एजेंट क्वेश्चन नहीं कर सकता। जज के पास पावर है कि वो किसी भी तरह का कोई भी सबूत मंगा सकता है, अगर किसी रिलेवेंट फैक्ट्स का आधार उसे लगता है कि ये इससे पता लग सकता है। मे बी उन दोनों पार्टीज को लगेगी इससे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आ भी गया तो, लेकिन कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी टाइम किसी भी पार्टी से किसी भी प्रूफ के लिए
किसी भी फैक्ट के लिए कोई भी प्रूफ मंगा सकता है कि आप ये दिखाइए कोर्ट को या ये मंगाइए। ना तो वो क्वेश्चन उठा सकते हैं कोर्ट पे, ना ही वो कोर्ट से बिना इजाज़त लिए किसी भी पार्टी का क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। लेकिन ये सब हो जाने के बाद जब एक जजमेंट आएगा, जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन फैक्ट्स डिक्लेयर्ड बाई दिस एक्ट टू बी रिलेवेंट और ड्यूली प्रूव्ड। ये सेक्शन ये बताता है कि वो तो ठीक है कि जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, जो न्यायाधीश है, वो कभी भी किसी भी समय कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है रिलेवेंट फैक्ट को जानने के लिए, लेकिन कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता जो कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन सेक्शन 121 से 131 तक जो भी दिया गया है। मान लो अगर वो किसी पार्टी के एडवोकेट से पूछता है कि क्या उसने मर्डर किया है, अब मुझे बताओ, ऐसे ये क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं होगा। ये ऐसे क्वेश्चन जो कि 121 से 131 के बीच जो दिए गए हैं, अगर वो ऐसा क्वेश्चन जज कर लेता है तब जो पार्टीज हैं वो इसको मना करने के हकदार हैं। तो 121 से 131 आप एक बार जान लें कि सेक्शन 121 टू 131 इसके तहत वो कोर्ट को मना कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा हम कोई भी प्रूफ नहीं देंगे, कोर्ट वैसे पूछ भी नहीं सकता है। सेक्शन 25 प्लस 26 में जो कन्फेशन दी जाती है पुलिस को, वो भी प्रूव नहीं हो पाएगी कोर्ट के अंदर। तो ये भी फैक्ट और रिलेवेंट फैक्ट में नहीं आता है। जब किसी भी पुलिस अधिकारी को इन्होंने ये कन्फेशन किया है और ये प्रूव माना जाएगा तो वो प्रूव नहीं हो पाएगा, क्योंकि एविडेंस एक्ट खुद ही मना करता है। 25 26 बताते हैं कि पुलिस के सामने किया गया कन्फेशन या कोई स्टेटमेंट कोर्ट में प्रूव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे ही जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है वो भी प्रूव नहीं कर सकते हैं, ना कोई प्रूफ मंगा सकते हैं ऐसा जिस पे बाधा है खुद एविडेंस एक्ट की। इसके बाद सेक्शन 56 टू 58 फैक्ट्स विच नॉट नीड टू प्रूव। कुछ ऐसी फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो एविडेंस सेक्शन 56 टू 58 में दिया गया है। तो मैंने आपको बताया कि जो न्यायाधीश है, जो वो किसी भी पार्टी द्वारा दिए गए एविडेंस के लिए ही पूछ सकता है उस एविडेंस के लिए कि ये बताओ कि ये किस तरह एडमिसेबल है। और अगर कोई भी एविडेंस एडमिसेबल हुआ लगता है कोर्ट को तो वो उस एविडेंस को रिलेवेंट मान लेता है। तो कोर्ट ये पूछ सकेगा किसी पार्टी से कि जो भी आप ये प्रूव कर रहे हैं फैक्ट वो किस तरह एडमिसेबल होगा, और अगर कोर्ट को ये लगता है कि हाँ ये एडमिसेबल होगा तो वो उस एविडेंस को रिलेवेंट मान लेगा। किसी भी विशेष तथ्य को साबित करने के लिए, किसी भी विशेष प्रकार के फैक्ट को साबित करने के लिए ओरली या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को एडमिसेबिलिटी को सीधे साबित करना होता है। सेक्शन 165 तो ये सीधा क्लियरली बोलता है कि जो भी जजमेंट दिया जाएगा वो रिलेवेंट फैक्ट के आधार पर ही दिया जाएगा। इस प्रकार कोर्ट जो होता है वो किसी मामले का जजमेंट देने के लिए भी तथ्य को ध्यान नहीं रख सकती है, चाहे वो रिलेवेंट हो या ना हो। तो ये विधिवत साबित करना होता है। लेकिन दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के बेस पे वही तथ्य या वही फैक्ट साबित हो सकता है। एक पार्टी एक मुकदमे या कार्यवाही में प्रासंगिक तथ्य साबित कर सकती है। इनडायरेक्ट रूप से किसी भी मैटर में फैक्ट छुपा हुआ होता है। तो सेक्शन 5 के रूप से ये देखने के लिए होता है कि जो फैक्ट पार्टी द्वारा साबित करने के लिए रखा गया है क्या वही फैक्ट मैटर एन इशू है। तो या तो उस मैटर में वो फैक्ट है या ऐसा जो फैक्ट है वो फैक्ट एन इशू है। सेक्शन 5 का जो काम है वो ये देखना है कि जो किसी मैटर में जो फैक्ट है वो सिर्फ फैक्ट है या वो फैक्ट फैक्ट एन इशू है। सेक्शन 5 एंड प्लस 165 से आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 136 पे चलते हैं एक बार। सेक्शन 136 जस्ट टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस व्हेन आइदर पार्टी प्रपोजेस टू गिव एविडेंस टू एनी फैक्ट द जज मे आस्क द पार्टी प्रपोजिंग टू गिव द एविडेंस इन व्हाट मैनर द एलिज्ड फैक्ट इफ प्रूव्ड वुड बी रिलेवेंट एंड द जज शैल एडमिट द एविडेंस इफ ही थिंक्स दैट द फैक्ट इफ प्रूव्ड वुड बी रिलेवेंट एंड नॉट अदरवाइज। तो कोर्ट उसे ये बता सकता है कि जो आप साबित करना चाहते हैं वो किस प्रकार साबित करना होगा। सबूत के माध्यम से कोर्ट अगर कोई भी पार्टी किसी सबूत को या किसी एविडेंस को मोड़ तोड़ के साबित करने की कोशिश करती है या टुकड़े टुकड़ों में साबित करने की कोशिश करती है किसी भी एक एविडेंस को, तो कोर्ट उसको अस्वीकार कर सकता है। 165 के पैराग्राफ 2 में ये भी दिया हुआ है
कि अगर कोई भी ऐसे सबूत या कोई भी ऐसे प्रूफ्स या एविडेंसेस जो कि किसी दूसरे प्रूफ्स पर निर्भर है या किसी दूसरे एविडेंसेस पे फैक्ट पे निर्भर है, तो कोर्ट उनको भी प्रूव करने का पूरा अनुमति देती है और कोर्ट कहती है कि पार्टी को उन प्रूफ्स को प्रूव करना पड़ेगा कि पहला वाला प्रूव हो जाए। मान लो मैंने जो बताया था आपको कि ए ने बी को डाइंग डिक्लेरेशन किया, ये बी ने कोर्ट को बताया, अब बी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ए मर चुका है, और अगर कोई भी रिलेवेंट फैक्ट सिद्ध नहीं होता है, मतलब प्रूव नहीं होता है, तो फिर कोर्ट में ऐसा एविडेंस एडमिसेबल नहीं होगा। अब पैरा टू की आवश्यकता यह है कि जो भी दूसरा फैक्ट है उसको पहला साबित करना है। सेक्शन 165 का पैरा थर्ड ये बोलता है कि अगर कोई भी फैक्ट जो कि दूसरे फैक्ट पर निर्भर करता है, संतोष कुमार सिंह के केस में अगर बताया जाए तो जो संतोष कुमार सिंह है वो उसकी चोट के बारे में जो टाइम है वो तभी रिलेवेंट होगा जब ये प्रूव हो जाए कि वो उसका बयान झूठा है। किसका? संतोष सिंह का। बहुत इजीली इसको मेडिकल रिपोर्ट से साबित किया जा सकता है। तो इस प्रकार मेडिकल रिपोर्ट को साबित करने से पहले साबित ये करना होगा कि जो संतोष कुमार सिंह है उसने अपना बयान झूठा दिया है। 136 सेक्शन में जो बताया गया है उसकी अनुमति कोर्ट ने सेक्शन 104 के साथ पढ़ने की भी दी थी, तो एक बार सेक्शन 104 भी पढ़ लेते हैं। द बर्डन ऑफ प्रूविंग एनी फैक्ट नेसेसरी टू बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ एनी अदर फैक्ट इज ऑन द पर्सन हु विशेज टू गिव सच एविडेंस। जैसे मैंने आपको बताया था कि ए विशेज टू प्रूव डाइंग डिक्लेरेशन बाय बी, ए मस्ट प्रूव बीज डेथ, इसका इलस्ट्रेशन है ये। ए विशेज टू प्रूव बाय सेकेंडरी एविडेंस द कंटेंट्स ऑफ अ लॉस्ट डॉक्यूमेंट, अ मस्ट प्रूव द डॉक्यूमेंट हैज बीन लॉस्ट। अगर मान लो किसी खोई हुए दस्तावेज या कोई खोया हुआ डॉक्यूमेंट है जिसको सेकेंडरी एविडेंस के रूप में पेश करना है, तो पहले साबित ये करना होगा कि डॉक्यूमेंट खो चुके हैं। तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ जाएगा वो उस व्यक्ति पे जाएगा जो कि ये प्रूव करना चाहता है कि जो पहला फैक्ट है वो जब साबित होगा, जब दूसरा साबित हो जाएगा, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पे जाएगा जो कि इस साक्ष्य को या जो इस एविडेंस को प्रूव करना चाहता है। अगर ये प्रूव हो जाता है तो वो कोर्ट में एडमिसिबल हो जाता है। तो यही था आज का हमारा वीडियो, कैसा लगा आप कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। शायद आपके यूपी एग्ज़ाम की एपीओ और जुडिशरी की नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो जैसे ही आएगी हम आपको ज़रूर बता देंगे। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।